जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल टाटा ओवरटेक में। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो हमारा इस डोजर बम पे होने वाला है। वो कुछ चीजें जो हमारी पिछले वीडियो जो हमने बनाया था इस पे भी जो बाकी रह गई थी वो आज हम लोग जो है पूरी करेंगे, और इसके बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। इसके पार्ट बोर्ड के बारे में, इसमें जो सप्लाई आती है उसके बारे में, और सप्लाई कहाँ से आती है, पूरी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो है आज हम लोग समझने वाले हैं। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और सारी चीज़ें ध्यान से देखिए। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये मैंने डायरी ले ली है और इसके बारे में जो जानकारियाँ सारी उसी तरीके से इस डायरी में मैंने सब लिख ली है, और वो चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मैं समझाऊँगा। सो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किए हो तो उसका जो लिंक है इंस्टाग्राम का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ जाइए और मुझे फॉलो कीजिए। सबसे पहले हम लोग जो है डोजर पंप, इसको सप्लाई पंप भी बोलते हैं, और इसके जो फॉल्ट कोड है वो जो BS4 में आते थे 1682 वो फॉल्ट कोड अब भी देखने को मिलता है। 3574 जो इसके प्रेशर का होता है फिल्टर वगैरह चौक होने का, वो भी आप लोगों को जो है देखने को अब भी वो जो फॉल्ट कोड है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ नए फॉल्ट कोड भी इसमें दे दिए गए हैं, उसी पर हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहले हम लोग इसके कपलर के बारे में बात करते हैं। चलिए हम लोग कपलर पे आ जाते हैं, ठीक है। ये जो है 4 पिन का इसका कपलर है, कुछ इस तरीके से मैंने इसका जो है डायग्राम बनाया है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ रख लेते हैं, समझने में शायद थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। अब हम लोग इसके पहले कलर के बारे में बात करेंगे। तो इसका जो एक कलर है लाल, ठीक है, लाल कलर जो है पंप को पावर देता है, और इसमें जो है 24 वोल्ट जो आपको सप्लाई मिलेगी, लेकिन वो सिर्फ 3 सेकंड के लिए, ठीक है। आप लोग अगर करंट चेक करते हो तो मल्टीमीटर को यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेट करके, ठीक है, अर्थिंग आप लोग बॉडी से भी ले सकते हो, ठीक है। जब आप चाबी ऑन ऑफ करोगे तो आपको कुछ सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए आपको 24 वोल्टेज सप्लाई जो इसमें देखने को मिलेगी, और उसके बाद में ऑटोमेटिकली इसमें 8 वोल्टेज सप्लाई हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 24+8 लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने लिखने में ये जो तार है 2 नंबर पे होता है, मैंने इसको एक नंबर नीचे दे दिया है और 2 नंबर ऊपर रख लिया, ठीक है। ये लिखने में थोड़ी मैंने गड़बड़ हो गई, बट आप आसानी से समझ लोगे, ठीक है। ये इसका जो है एक नंबर जो तार है वो हरा होता है, ठीक है। ये 2 नंबर पे है पावर वाला जो लाल कलर है, ठीक है। जो एक नंबर वाला, देखो ये पंप स्पीड का तार होता है, इसका जो कलर है वो हरा है, और इसमें आपको 5 वोल्ट के लगभग जो है सप्लाई देखने को मिलेगी। और दूसरा पंप मोटर का है जो 3 नंबर पर है, उसका कलर भी हरा है, और लगभग समथिंग 5 वोल्ट के लगभग इसमें भी आपको सप्लाई देखने को मिलेगी। और जो चौथा है वो रिटर्न वाला तार है, और वो भूरे कलर का होगा, उसमें आपको जो है करंट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये आ कहाँ से रहे हैं, ठीक है। ये हो गया ECM का कपलर J2 ECM 2670 मैंने यहाँ पर लिखा है, और जो 2 नंबर वाला जो तार है पावर का, जो लाल कलर का तार है, वो देखिए ECM के 51 नंबर पिन से आ रहा है, ठीक है। ECM के 51 नंबर पिन से ये तार आ रहा है। जो एक नंबर वाला जो तार है वो आपको ECM की 35 नंबर पिन में देखने को मिलेगा, 35 नंबर की ECM का जो J2 का कपलर है उसकी 35 नंबर पिन से ये एक नंबर वाला तार आ रहा है, ठीक है। और जो तीसरा है वो भी हरा है, वो आपको ECM के 81 नंबर पिन से जो है ये तार आ रहा है। अगर आप कंटिन्यूटी वगैरह चेक करते हो तो ये चीज़ देख के आपको बिल्कुल आसानी हो गई। और जो चौथा तार है वो आपको ECM के 63 नंबर पिन से ये तार जो है आ रहा है। उम्मीद है ये चीज़ आपको बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे इसके फॉल्ट कोड के बारे में, ठीक है। इसके जो फॉल्ट कोड है वो आपको पता है, एक तो 1682 है, लेकिन 1682 में कभी भी पार्ट ख़राब नहीं होता, ये प्रेशर का ही है, ठीक है। और दूसरा जो फॉल्ट है वो 5864 है, 5865 मिलेगा आपको देखने को, और 6485 और 3574 3574 प्रेशर का है, वो आपको पता है DF के इसके फिल्टर वगैरह चौक होने की वजह से ये फॉल्ट आपको देखने को मिल सकता है, और इसके साथ में आपको 6485 भी फॉल्ट कोड कई बार देखने को मिला होगा, ठीक है। और 6486 और 6325 ये सब जो है इस पंप के हैं,
लेकिन 1682 आपको कई बार ये मिस्टेक होने की वजह से, ये जो नोज़ल है इसकी वजह से भी 1682 फॉल्ट कोड आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि पंप का अगर प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो 1682 फॉल्ट कोड आपको देखने को मिलेगा, और 7325 भी फॉल्ट कोड इसकी वजह से मिल सकता है। इस पे जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था इसमें फॉल्ट कोड 3151 के बारे में मैंने बात नहीं करी थी, बट फॉल्ट कोड 3151 पे ये जो नोज़ल है ये लीकेज हो सकती है यहाँ से। अगर 3151 फॉल्ट कोड आपको देखने को मिले तो आप इसको खोल के लीकेज टेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसके बारे में कल पूरी डिटेल में बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में, तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया जो हमने डायग्राम बनाया था वो। ठीक है, डीएफ सप्लाई पंप 4 वायर का जो इसमें कपलर है, और ये इसके फॉल्ट कोड है, आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ से बिल्कुल ले सकते हैं क्लियर। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इसमें जो एक मिनी फिल्टर भी होता है, कई बार 1682 3574 7325 ये फॉल्ट कोड आपको देखने को मिल सकते हैं इस एक फिल्टर की वजह से। ठीक है, 3574 1682 6885 ये फॉल्ट कोड इस एक फ़िल्टर की वजह से देखने को मिल सकते हैं। चलिए हम लोग इस फिल्टर को निकाल के ही देख लेते हैं कि ये किस तरीके से खुलेगा। ठीक है, ये हमारे पास टूल है, सो खोल भाई थोड़ा इसको। ये यहाँ पे देखिए एक स्क्रू लगा हुआ है दोनों पाइपों के बीच में। ये स्क्रू निकालने के बाद ये प्लेट को आप अलग से एक बार यहाँ से कुछ डाल के उठाइए, ये छूट जाएगी, जैसे कि मैं आपको निकाल के बताता हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये प्लेट निकल गई। अब हम जो है सप्लाई वाली पाइप को बाहर निकालेंगे, और उसी में जो है देखिए ये फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर चलिए हम लोग बाहर निकाल के देखते हैं। ठीक है, इसको निकालने के लिए आपको तार या फिर कुछ ऐसी चीज़ की ज़रूरत होगी। चलिए, ये थोड़ा टाइट निकलता है तो मैं इसको इससे निकाल के आपको बताता हूँ। ये फिल्टर जो है हमने इसका बाहर निकाल दिया, ये फट गया क्योंकि ये जो पंप है काफ़ी दिनों से पड़ा था तो ये जाम हो गया। ये इसका एक देखिए, ये मिनी फिल्टर है, इसको निकालने में ये डैमेज हो गया। जब हम चालू पंप खोलेंगे तो ये डैमेज नहीं होगा, ये काफ़ी टाइम पंप जो हमारे यहाँ पड़ा था इसलिए ये जाम हो गया फिल्टर जो है। ठीक है, ये अगर आप 1682 3574 7325 6885 कुछ अगर ऐसे फॉल्ट कोड आपको दिखते हैं और फिल्टर वगैरह अगर ओके मिलते हैं तो एक बार आप ये फिल्टर भी इसके चेक कर सकते हैं। एक फिल्टर जो है ये है, और दूसरा जो फिल्टर है वो इसमें होता है। ठीक है, इसको भी हम लोग बाहर निकाल के देख लेते हैं। ये इस तरीके से ये स्क्रू जो है बिल्कुल आसानी से इसमें खुल जाएगा और इसका फिल्टर भी आसानी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका नट, और देखिए इसमें भी एक जो है फिल्टर लगा हुआ है, शायद अंधेरी का। चलो हम लोग बाहर ही निकालते हैं। फाइनली खोल के हमने इसका भी जो है फिल्टर ये बाहर निकाल लिया है। आप लोग देखिए कुछ इस तरीके का इसका ये फिल्टर होता है। तो आप लोगों को अगर 1682 और जो मैंने फॉल्ट कोड बताए हैं 6485 6886 ये अगर आपको देखने को मिले ये तो ये फिल्टर आप एक बार निकाल के ज़रूर चेक करें। ठीक है, ये फिल्टर भी इसमें जो है मिस्टेक हो सकते हैं। तो ये जो इसका लगाने का तरीका भी बिल्कुल वापस जैसे ये निकला वैसे ये वापस लग जाएगा, बस इसी तरीके से अंदर डालना आपको और ये स्क्रू लगा देना है। ठीक है, ये हो गया, बिल्कुल सिंपल है। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको जो ये वीडियो है पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बार मैं आपको फिर से इसके ऊपर ले लेता हूँ, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरीके से मैं जो है चीज़ें आपको और आगे बताता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।